हेलो फ्रेंड्स, तो बारिश का मौसम हो और चटपटी चीज़ ना बने तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए हम फटाफट से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। ये रेसिपी ना अगर आप बिगिनर्स भी हो तो भी आप बिल्कुल आसानी से इस रेसिपी को आप बिल्कुल चटपटे से स्वाद में इसे आप बना सकते हैं। तो चलिए, हमें देर किस बात की है भाई, तो फटाफट से इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम करते हैं क्या है कि मैंने यहाँ पर ना काबली चना लिया है, तो इसे मैंने ओवरनाइट भिगो करके रख दिया था। ये 1 कप काबली चना मैंने लिया है। आप इसकी क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद एक प्रेशर कुकर लेना है, इसे इसमें डाल देना है। तो देखिए, मैं जो आज आपको टिप्स बता रही हूँ ना, बिल्कुल आसान तरीके से आप इस छोले को बना सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज के प्याज को, जैसे भी काटना हो आप काट लें, बिल्कुल रफली काटना हो तो जिस तरीके से भी आप बड़े बड़े पीसेस में भी काटेंगे तो भी चलेगी। तो इसमें आपको डाल देने हैं, अब इसमें ही डाल देना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर अदरक नहीं है तो सिर्फ आप लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, वो उससे भी अच्छा सा टेस्ट आएगा। और इसमें अब चलिए मसाले डालते हैं। तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है, यानी कि 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला है, और 1/2 ही चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि इसका कलर और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच ना लाल मिर्च पाउडर। तो तीखा अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको तीखा पसंद हो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर भी डालेंगे। इसमें मसाले जो है ना, सिर्फ मैंने 1/2 ही 1/2 चम्मच मैंने डाला है, क्योंकि 1 कप ही मेरा जो था काबली चना था उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मसाले को डाल रही हूँ। तो 1/4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा पाउडर, ठीक है। 1/4 टेबल स्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर थोड़ा ही डालिएगा, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो इसमें इसका स्मेल भी आता है। अब इसमें यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि इलायची, दालचीनी और लौंग मैंने डाला है। इसके साथ ही में डाल देंगे कसूरी मेथी। अब यहाँ पर मैं हरी मिर्च भी डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर अलग आता है और लाल मिर्च का जो है फ्लेवर अलग आता है। तो अब इसमें डाल देना है 1 गिलास आपको पानी। तो ये रेसिपी आप ना बहुत आसानी से बना सकते हैं। छोले बनाना देखिए ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन जब आप बनाने बैठेंगे ना तो बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो मेरे ट्रिप से आप बनाएंगे ना तो छोले टेस्टी भी बनेगी और बहुत ही जल्दी बनेगी। इसमें डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच ना सरसों ऑयल। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, कच्चा ही ऑयल है, ये पका हुआ ऑयल नहीं है। 1 टमाटर डाल दीजिए बड़े साइज का, बिल्कुल रफली चॉप करके डाल दीजिएगा इसी तरीके से। थोड़ा सा मुझे पानी की जरूरत लग रही है कि और पड़ेगी, तो थोड़ा सा मैंने पानी और डाल दिया है क्योंकि इसकी ग्रेवी भी हमें बनानी है। तो यहाँ पर देखिए, 1 मैंने आलू भी लिया है, तो इसे छिल करके वॉश कर लिया, इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसे इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब जो है बाकी मसाले जो भी अब हमें डालने हैं वो हम बाद में डालेंगे। अब लीड को बंद कर देंगे या 4 से 5 विसिल आपको लगा देने हैं। मैंने इसमें ना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला, बस इसी तरीके से आपको कुक कर लेना है। चलिए, एक साइड हमारा जो है छोला बनने जा रहा है और एक साइड हम इसके टिक्की बना लेते हैं। तो टिक्की बनाने के लिए मैंने 3 पीस यहाँ पर बड़े साइज के आलू ले लिए थे, जिसे मैंने मैश कर लिया है, अच्छे से बॉयल करके ले लिया है। और अब इसमें है ना टेस्टी फुल हम मसाले डालेंगे। तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, ठीक है, ज्यादा नहीं। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर मिर्च पाउडर डाल दिया है। तो और इसमें डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स। तो आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स की जगह पर हरी मिर्च का भी यूज कर सकती हैं, तो तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। और अब यहाँ पर डाल देंगे भुना हुआ जीरा 1/2 चम्मच, और इसके साथ ही में डालेंगे हम काला नमक। तो इससे जो है ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। काला नमक डाल दिया मैंने, थोड़ा ही डाला है क्योंकि मैं रेगुलर भी नमक डाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, यानी 1/4 टेबल स्पून, और चाट मसाला डाल देना है 1/2 चम्मच, ठीक है। और 1/4 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर डाल दीजिए, और इसमें डाल दीजिए इसकी बाइंडिंग और इसकी क्रिस्पनेस के लिए यहाँ पर डाल देंगे चावल का आटा। तो 2 चम्मच ही चावल का आटा डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पे क्या ले लेंगे, कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए या अरारूट का पाउडर डाल दीजिए। अब इसमें 1/2 लेमन इस तरीके से ना इसे गार करके इसमें डाल दीजिए इसका जूस, बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा, क्योंकि इसमें चाट मसाला भी है और लेमन भी पड़ी है, तो बहुत ही चटपटी और चटाकेदार बनेगी। धनिया पत्ती हो तो आप डाल दीजिएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये धनिया पुदीने वाली चटनी है वो मैंने इसे अभी तैयार करके मैंने रखी थी, तो उसमें से ही मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दी है। और क्या करना है कि आपके पास धनिया पत्ती हो तो वो आप काट के डाल दीजिए, लेकिन इस तरीके से ना चटनी आप डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है। अब इन सारी चीजों को ना हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, टिक्की बनाना भी बिल्कुल आसान है और छोले बनाना भी
बिल्कुल आसान है, तो आप देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो सभी लोग इसे आप बहुत अच्छे से आसानी से बना सकते हैं। अब ये देखिए हमारी जो ये आलू जो है बिल्कुल टिक्की के लिए तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा पोर्शन हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि टिक्की जो हमेशा होती है ना वो बड़े साइज की ही होती है तो अच्छी लगती है। तो बड़े बड़े टिक्की आप बनाएं, अगर आपको बड़े पसंद नहीं है तो आप छोटे छोटे बना लें। तो इस तरीके से ना हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम टिक्की का शेप दे देंगे और इस तरीके से हम पहले बना करके एक साइड में रख लेंगे। तो आज की रेसिपी पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर से, और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस तरीके से पहले हम क्या करेंगे ना, टिक्की बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी के को हम टिक्की इतनी सी ना आलू की में बहुत ढेर सारे हम टिक्की बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि बड़े बड़े मैंने टिक्की बनाई थी, तो ये देखिए इतनी सारी टिक्की बन चुके हैं, तो 6-7 पीस हमारे टिक्की बन गए हैं ना। तो चलिए अब क्या करेंगे कि हम ना इसमें एक तवा ले लेते हैं, नॉन स्टिक हो या लोहे का तवा हो या कढ़ाई हो, कुछ भी आप ले लीजिएगा। इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा फ्राई यानी कि ऑयल डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, बस इसी तरीके से ना इसे हमें पकाना है। तो टिक्की को ना इस तरीके से हम रखते जाएंगे, ये देखिए, और इस तरीके से हम इसे छोड़ देंगे और कुछ सेकंड यानी कि 1 मिनट इसे आप अच्छे से पकने दीजिएगा। गैस का फ्लेम हाई मैंने रख दिया है, हाई फ्लेम पर ही इसे हम अच्छे से पकाएंगे। तो एक साइड से ये जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तभी हम इसे फ्लिप करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया था। चलिए अब हम इसे फ्लिप कर लेते हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो ये देखिए टिक्की जो ये बन के तैयार होगी ना फ्रेंड्स, बहुत ही चटपटी बनेगी और बिल्कुल चटाकेदार बनेगी। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही झटपट भी बन जाती है, खाने में यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल लाजवाब बनती है। तो छोले तो अगर आप ना वो मटर जो होती है पीली वाली मटर, हरी वाली मटर, रगड़ा चाट जिससे बनता है, तो अगर आप वो भी नहीं बनाना जानते हैं तो वो भी आप ना जिस तरीके से मैंने काबली चना का जिस तरीके से मैंने चाट अभी बनाना आपको बताया है, बिल्कुल वही मेथड आप अप्लाई करेंगे उसमें भी मटर में भी ना, तो वो भी छोले आपके इसी तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए टिक्की हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है और इसे हम निकाल लेते हैं। तो कुछ पीसेस को मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ और कुछ को मैं इसी पे तवे पे छोड़ दूंगी ताकि गर्मा गर्म रहेगी, जब मुझे सर्व करना होगा मैं इसे निकाल करके सर्व कर सकती हूँ। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए एक साइड से हमारा छोला भी बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए मैं आपको ये देखिए बिल्कुल आपको मैं दिखा दी ना कि ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब ये जो आलू बची है ना, इसे आलू को हम क्या करेंगे, इसमें मैश कर देंगे। आलू डालने का रीजन क्या था कि इसकी ग्रेवी जो है ना बिल्कुल थिक हो जाएगी। हमें एक्स्ट्रा ना, कई लोग क्या करते हैं कि छोले को पीस देते हैं मिक्सर जार में, उसके बाद इसमें मिक्स करते हैं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आलू को मैंने मिक्स कर दिया है। आप इस तरीके से अगर आलू को मैश करके बनाएंगे तो आपकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल चटपटी बनेगी। अब इसे हम चटपटा बनाएंगे तो इसके लिए मैंने आधा चम्मच क्या किया कि चाट मसाला मैंने डाल दिया और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा इसमें पाउडर डाल देंगे। अब क्या करेंगे कि 1 चम्मच ना आपको यहाँ पर मीट मसाला डाल देना है, यानी चिकन मसाला हो कोई भी ब्रांड का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और इसमें क्या करना है, धनिया पत्ती डाल करके आप इसमें 1-2 बॉयल आने तक इसे अच्छे से बॉयल आने दीजिएगा और ये रेसिपी आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, यानी कि छोले आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलिए अब हम इसके सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए अब क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे सर्विंग प्लेट ले ली है और इसमें हम टिक्की डाल देंगे। तो टिक्की मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, तो जैसे भी आपको डालना हो आप डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे तो ये देखिए हमारे छोले जो है बिल्कुल देखिए कितने लाजवाब तैयार हो गए, रंग देखिए कितना लाजवाब आया है। अब क्या करते हैं, तो चलिए इसे हम ना छोले को इस साइड से हम डालेंगे, कुछ ऊपर से डालेंगे, यानी कि आप इसके ऊपर से डाल दें। छोले आपको जितना पसंद हो उतना ही आप डालिएगा। चलिए साइड से भी अच्छे से हम इसे बराबर कर लेते हैं और अब इसमें डाल देते हैं इसकी ग्रेवी। ग्रेवी के बिना छोले अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये देख सकते हैं ग्रेवी कितनी थिक बनी है और
छोले भी बिल्कुल टेस्टी बने हैं। बिल्कुल बनाना आसान है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप छोले घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल ढाबे स्टाइल आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इसे हम डेकोरेट करते हैं और इसे चटपटा बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल गाढ़ी सी दही ले ली है और इसे हम इस तरीके से हम डेकोरेट करेंगे ताकि देखने में भी अच्छी लगे और खाने में तो बिल्कुल लाजवाब है ही है, तो बच्चे को भी अट्रैक्टिव होती है। इस तरीके से अगर आप इसे सजा वजा दोगे ना तो बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में। बिल्कुल मार्केट स्टाइल आप इस टिक्की छोले को इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया धनिया पुदीने वाली चटनी और दही। अब इसमें डाल दीजिए इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो आप टोमेटो केचप डाल दीजिए, बहुत ही लाजवाब आपका इसमें स्वाद आ जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपकी इमली की ही चटनी होनी चाहिए, कुछ भी हो मीठी चटनी होनी चाहिए भाई, बस इतनी जान लीजिए आप। तो मैं आपको ना सब्स्टिट्यूट आपको बताती जाती हूँ कि आपको इसमें क्या क्या ऐड करना है। हर रेसिपी में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप बिल्कुल आसानी से कोई भी ऐसी रेसिपी हो ना तो आप इसे तैयार कर सकती हैं। मेरी जो हर एक रेसिपी आप ज़रूर से आप देखा कीजिए, बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स मैं बताती जाती हूँ और खाने में बिल्कुल लाजवाब होती है। तो चलिए, इस तरीके से मैंने इसमें अच्छे से मैंने दही और धनिया पुदीने की चटनी और ये मीठी चटनी भी मैंने डाल दी। इसके ऊपर से प्याज डाल दीजिए अच्छे से, बिल्कुल इसके प्याज के यानी कतरन डाल देने हैं। और इसके ऊपर से थोड़े से क्या करना है कि मैंने स्प्रिंकल कर दी भुना हुआ जीरा पाउडर और चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए। लेमन हो तो लेमन आप इसमें डाल सकते हैं, यानी कि उसका रस गार करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये आपकी ना बिल्कुल चटपटी सी आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया चाट मसाला, तो देखने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना, खाने में यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बिल्कुल लाजवाब बनती है। और सेव भुजिया हो तो इसके साइड से ऊपर से आपको डाल देने हैं इस तरीके से, और इसे सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी ये आपकी टिक्की छोला चाट। धनिया पत्ती डाल दे गार्निशिंग के लिए। तो ये देखिए बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए, इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए और बारिश का मौसम में इसे बारिश का एंजॉय कीजिए और इसे बनाइए और खाइए। मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा फ्रेंड्स कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अच्छी लगी दोस्तों में शेयर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, इस रेसिपी को बनाइए खाइए एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और आप, मैं आपको बता दूं कि आप कौन सी रेसिपी, अगला रेसिपी आप कौन सा देखना चाहेंगे, कौन सा सीखना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताया कीजिए, मैं ज़रूर से आपके लिए बताऊंगी। अब तो ये रेसिपी आप एक बार जरूर से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।